इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा जो भी कैंडलस्टिक होता है, यानी कि जो एक कैंडल फॉर्म होती है मार्केट के अंदर किसी भी टाइम फ्रेम में, तो उसका क्या मीनिंग होता है उस कैंडल का, यानी कि वो कैंडल हमसे क्या कहना चाहती है, और उसको अगर हम समझते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग मार्केट में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो कैंडलस्टिक में सबसे पहले मैं कैंडलस्टिक का टाइप लूंगा, नॉर्मल कैंडल का टाइप लूंगा। जैसे आप मार्केट में आप देखोगे इस तरह के कैंडल्स आपको दिखते होंगे जिनका साइज मीडियम टाइप का रहता होगा, उसमें विक रहते होंगे, ठीक है। तो ये दोनों ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल दोनों केस में आप देख सकते हो, यानी कि बायर्स के केस में और सेलर्स के केस में भी देख सकते हो। तो नॉर्मल कैंडल, मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक कैंडल का क्या कंपोनेंट होता है उसके अंदर, तो उसमें एक विक होता है, एक अपर विक होता है, एक लोअर विक होता है, एक बॉडी होती है। सिमिलरली आप इधर भी देख सकते हो, और कैंडल ग्रीन कैंडल में ओपनिंग प्राइस यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि ब्लू बिलो की तरफ स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ क्लोज होता है। और रेड कैंडल के केस में ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, यानी कि रेड कैंडल में ओपनिंग प्राइस ऊपर की तरफ से होगा। ओपनिंग प्राइस मीन्स कैंडल कहाँ से इनिशियलाइज हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। क्लोजिंग प्राइस जहाँ से कैंडल बंद होता है उसको क्लोजिंग प्राइस बोलते हैं। तो जो कैंडल फॉर्म होता है मार्केट में वो प्राइस मूवमेंट को क्या करता है, इंडिकेट करता है, यानी कि प्राइस का मूवमेंट हो रहा है। अगर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है मार्केट में तो प्राइस मूव कर रहा है पॉजिटिव की तरफ, राइट। अगर रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है मार्केट में तो प्राइस क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है मार्केट में, ठीक है। तो ये नॉर्मल कैंडल्स कुछ इस तरह के दिखते हैं। तो इनको गुड कैंडल, हेल्दी कैंडल भी बोलते हैं नॉर्मल कैंडल्स को, और ये मार्केट में बहुत कुछ ये भी इंडिकेट करते हैं, यानी कि ये अगर नॉर्मल कैंडल मार्केट में आते हैं तो हमको इंडिकेट करते हैं कंटिन्यूएशन का। अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में अगर ग्रीन कैंडल इस तरह के कैंडल आते हैं तो कंटिन्यूएशन को डिनोट करते हैं, और डाउन ट्रेंड में अगर इस तरह के कैंडल्स आते हैं तो वो डाउन ट्रेंड को डिनोट करते हैं, यानी कि डाउन डाउन के केस में कंटिन्यूएशन को डिनोट करते हैं, राइट। तो इस तरह के कैंडल्स मार्केट में आपको ज्यादा दिखाई देते हैं नॉर्मल कैंडल, ओके। और वर्स मार्केट में तो ऑल काइंड ऑफ कैंडल दिखते हैं, लेकिन हेल्दी और एक ट्रेंडी मार्केट में आपको नॉर्मल कैंडल्स का ज्यादा उसमें आपको मौजूदगी आपको देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले कैंडल टाइप की तरफ, दैट इज डोजी। डोजी कैंडल आपको मार्केट में इस तरह के कैंडल भी दिखते होंगे, यानी कि ये तो ग्रे कलर में या ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है, ब्लैक कलर में, लेकिन ये कोटेक्स ब्रोकर में ये कलर्ड में आता है, राइट। तो ये डोजी कैंडल, इस तरह के कैंडल आपको मार्केट में दिखते होंगे, बिल्कुल थ्रेड लाइक पतले से कैंडल, राइट, जिसका कोई ओपनिंग प्राइस नहीं होता, जिसका कोई क्लोजिंग प्राइस नहीं होता, यानी कि इक्वल होता है दोनों, जहां से ओपन होता है कैंडल वहीं पे क्लोज हो जाता है, उसी को डोजी कैंडल बोलते हैं। जैसे कि नीचे मैं दिखा देता हूँ, एक ये कैंडल है डोजी, यानी कि डोजी कैंडल है। इसमें देखो ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ, राइट, इस एरिया से, फिर ऐसे ऊपर गया ऊपर गया, फिर नीचे चला गया, फिर नीचे से ऊपर की तरफ चला गया ऐसे, फिर यहाँ पे आके वापस से यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसका ओपनिंग प्राइस भी सेम होगा और क्लोजिंग प्राइस भी सेम होगा, इसीलिए इसमें इस कैंडल में कोई बॉडी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के कैंडल को हम लोग बोलते हैं डोजी कैंडल, राइट। तो इस तरह का कैंडल अगर मार्केट में आता है तो ये मार्केट को क्या करता है, पॉज करता है, थोड़ी देर के लिए रोक देता है, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग SNR लेवल भी ड्रॉ करते हैं इसकी बॉडी पे, तो वो SNR लेवल काफी स्ट्रांगली वर्क करता है मार्केट में। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो शेडो आपको दिख रहा है इसको विक बोलते हैं डोजी का, ये भी नीचे का विक है, ठीक है। तो डोजी कैंडल इस तरह से आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो डोजी कैंडल को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जस्ट उसमें कोई बॉडी नहीं होगा, ओके। तो कोटेक्स में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आप जस्ट उस पर रोल ओवर करना और उस पर वैल्यू चेक करना कि वैल्यू कितना है। तो वैल्यू अगर डिक्रीज इंक्रीज नहीं हो रहा है तो वो डोजी कैंडल है। तो ये बहुत ईजी है, और ये इस तरह का भी बनता है, इस तरह का भी बनता है, ऐसा भी बनता है, ऐसा भी बनता है, ऐसा ही बनता है, ठीक है। तो ये डोजी कैंडल भी काफी मार्केट में इसका इम्पोर्टेंस है। और नेक्स्ट वन
लोग चेक करते हैं, अगली कैंडल को देखते हैं हम लोग, हैमर कैंडल। आपको इस हैमर लाइक कैंडल्स आपको मार्केट में दिखते होंगे इस तरह से, बिल्कुल हैमर लाइक कैंडल, यानी कि इसको हम लोग हैमर बोलते हैं, इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। ओके, तो ये बोथ कलर में ये भी दिखते हैं, यानी कि सेलर के केस में, बायर्स के केस में, दोनों केस में आपको देखने को मिलेगा। और हैमर कैंडल स्टिक में क्या होता है, इसमें एक बॉडी होता है, एक विक होता है। इसमें बॉडी होता है, विक होता है, ठीक है। तो हैमर इस तरह का हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा, या फिर ऐसा 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 भी हो सकता है। ओके, तो ये जो हैमर का ये जो शेडो होता है, यानी कि जो विक होता है, वो 3x होता है अपनी बॉडी का, ऑलमोस्ट 3x होता है, 2.5x भी हो सकता है, बट 3x भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है विक, तो वो एबनॉर्मल हैमर हो जाता है। तो हम लोग नॉर्मल हैमर की बात कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल हैमर है, ठीक है। तो इस ये भी मार्केट में जब आता हैमर अगर मार्केट में आता है, तो ये भी मार्केट को यानी कि एक तरह से वहां पे मार्केट का मूवमेंट जो होता है वो चेंज होने का चांस ज्यादा रहता है। अगर रेंजिंग मार्केट है, तो वहां मार्केट का मूवमेंट रिवर्सल का चांस हो जाता है। और ट्रेंडी मार्केट में अगर इस तरह का हैमर आता है, अगर बायर्स का केस है, अप ट्रेंड है, तो कंटिन्यूएशन का चांस बनता है, ठीक है। तो हैमर भी मार्केट को बहुत ही अच्छे तरीके से वो करता है, प्रभावित करता है मार्केट को। सो नेक्स्ट जो कैंडल है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं, मारुबोजु कैंडल। सो नेक्स्ट वन है मारुबोजु कैंडल। मारुबोजु कैंडल क्या होता है, मारुबोजु कैंडल जो आप बड़े बड़े अच्छे साइज के कैंडल आप मार्केट में देखते हो, बहुत ही बड़ा भी नहीं होना चाहिए, यानी कि अच्छी साइज अच्छी होती है, बट उसमें कोई विक नहीं होता है, या विक होता भी है तो बहुत छोटा होता है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, यानी कि यूजुअली विक नहीं होता है, अगर होता भी है तो काफी छोटा होता है, या तो एक साइड में होता है या दोनों साइड में होता है, तो छोटा छोटा होता है। तो इस तरह के जो कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं मारुबोजु कैंडल, बाल्ड कैंडल, शेप्ड कैंडल, बहुत सारे नाम है। तो ऐसे कैंडल मार्केट में जब आते हैं, तो ये मार्केट में डोमिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर अप ट्रेंड में आ रहा है या ग्रीन कैंडल आ रहा है मार्केट में, तो बताएगा कि मार्केट में डोमिनेशन होने जा रहा है बायर्स का। अगर सेलर कैंडल आ रहा है, तो वो सेल डाउन ट्रेंड का डोमिनेशन होने जा रहा है मार्केट में, तो ये इंडिकेट करता है। बट इसके साथ साथ ये भी इंडिकेशन देता है कि ये मार्केट में हो सकता है ये लास्ट अटेम्प्ट है बायर्स का, और मार्केट जो है रिवर्सल के लिए जाएगा, यानी कि अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड आएगा, डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड आएगा। तो ये दोनों दो चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह के जो कैंडल्स होते हैं, वो मार्केट में दो मैसेज लेके आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना इजी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कैंडल के आने के बाद हमको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए, सोच समझ के आगे की तरफ हमको अपनी जो भी प्रिडिक्शन है वो लगाना चाहिए। तो ये मारुबोजु कैंडल, जो बाल्ड कैंडल होते हैं, जो शेप्ड कैंडल होते हैं, उनको बोला जाता है। ये भी कैंडल मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से अफेक्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज बिग एबनॉर्मल कैंडल। आप बहुत ही बड़े बड़े कैंडल्स भी मार्केट में देखते हो, जिनका साइज बहुत बड़ा होता है, मारुबोजु कैंडल से भी बड़ा होता है, या बड़े होते हैं, मारुबोजु जैसे भी दिखते हैं, यानी कि उसमें कोई विक नहीं होता है, या छोटा छोटा विक होता है, बट उनका साइज बाकी आप चार्ट में ही चेक करोगे तो उससे काफी बड़ा दिखता है आपको, यानी कि 100 पॉइंट्स तक का उनका साइज होता है, 72 100 100 पॉइंट तक उनका साइज मार्केट में दिखता है। तो वो जो कैंडल्स होते हैं, तो वो भी कैंडल काफी डेंजरस कैंडल होते हैं। ऐसे कैंडल के आने के बाद जो मार्केट का मूवमेंट है वो एबनॉर्मल हो सकता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है ऐसे केस में। तो इस तरह के बिग कैंडल से भी हमको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। जब भी इस तरह का बिग कैंडल का फॉर्मेशन होता है मार्केट में, तो हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए, राइट। तो ये मैंने ऑल काइंड ऑफ कैंडल आपको बता दिया, मैं लाइव चार्ट में कुछ दिखा देता हूँ आपको। तो और भी कैंडल्स होते हैं मार्केट में, जैसे कि अगर मैं इस कैंडल की बात करूंगा, तो ये एक नॉर्मल कैंडल है, ये भी नॉर्मल कैंडल है,
ये थोड़ा स्मॉल कैंडल है बट ये नॉर्मली कंसिडर किया जाएगा, ये भी नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल होगा, ठीक है। ये देखो ये जो कैंडल है डोजी कैंडल है, ठीक है, ये भी नॉर्मल कैंडल, नो हाँ यस, ये भी नॉर्मल कैंडल है, ये भी नॉर्मल है, और ये देखो ये भी ये इसका साइज छोटा है तो ये भी नॉर्मल कैंडल की कैटेगरी में आएगा। अगर इसका साइज इतना बड़ा होता और इसमें कोई विक नहीं होता जैसे कि अभी है, तो ये मारुबोजु कैंडल बोला जाता है। ये मारुबोजु कैंडल है, दिस वन, ये मारुबोजु कैंडल है, ये हैमर कैंडल है, ठीक है, और ये स्मॉल कैंडल इसको बोला जाता है। स्मॉल कैंडल ये इंडिकेट करता है, इसके बारे में मैंने स्लाइड में नहीं बताया स्मॉल कैंडल के बारे में, तो स्मॉल कैंडल ये इंडिकेट करता है कि जो जो भी यानी कि अगर रेड कलर का कैंडल है तो ये सेलर के स्मॉल पावर को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो कैंडल है ये भी हैमर है, ये जो कैंडल है डोजी कैंडल है, ओके, ये जो कैंडल है ये नॉर्मल कैंडल है, ये भी नॉर्मल कैंडल है, ठीक है। बिग एबनॉर्मल कैंडल मैं आपको दिखा देता हूँ, और भी ये बिग एबनॉर्मल कैंडल में आएगा ये, ठीक है। तो ये मैंने कैंडल्स के बारे में आपको बताया, सारे कैंडल्स के बारे में। तो ये कैंडल्स का अपना साइकोलॉजी होता है, वो मार्केट को अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इम्पैक्ट करते हैं मार्केट को, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसको सीखना समझना। तो मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट आपको बता दिया, नेक्स्ट के वीडियोस में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा, बस आप मेरे चैनल से जो भी कोटेक्स से आप अकाउंट क्रिएट करो, क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपको हेल्प करेगा ट्रेड को लेने में या सेल्फ ट्रेडिंग करने में, या मैं खुद सिग्नल भी देता हूँ आपको, तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं आपको ज्वाइन ज्वाइन करने में। आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा चैनल पे, आप उससे ज्वाइन करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी अर्निंग, बाय, टेक केयर।